सवा छह से तिलुहड़ी प्रखंड के लोग फंस गए हैं, जहां पहली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तिरोली रेलवे स्टेशन के क्वार्टरों के साथ तिरोली डेली मार्केट में दुकानों और रेलवे स्टेशन के पास की बस्तियों में बारिश का पानी घरों तक घुसने लगा है, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने पहले तो ईचरगांव प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक पे नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपने गुस्से को प्रकट किया, जिसकी वजह से प्रशासन ने मौके पे पहुंच के उनको शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। हमारे यहाँ मिलन चौक से आधारित जो NH-32 से जुड़ा हुआ रोड मजबूतीकरण और चौड़ीकरण हो रहा है वो लगभग कम्प्लीट हो गया है, लेकिन आज तक ना हमारे ये विधानसभा का विधायक जी हमारे यहाँ ना आए हैं, ना पब्लिक के साथ बैठे हैं, ना उनका मुआवजा देने के लिए कुछ उपाय किए, और ना तो और कोई आवाज़ दिखाई नहीं दिया। ऐसा विधायक हमारे यहाँ रहना ना रहना मैंने क्या बोलेंगे उसको, मैंने बदतर समझिए, जो कि आज हमारे पब्लिक को इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट लगभग रोड हो गया, जो ढलाई के ऊपर ढलाई हो रहा है, कहने पर हम लोग किसको कहें, किसको सुनाएं, जबरन बना रहा है, रात और दिन काम चला रहा है, रात में काम कर रहा है, किसका मकान का दीवार हिल जा रहा है, बोलने से भी नहीं सुनता है, साधु महतो जी ना आता है, ना कोई बैठक करता है, ना मुआवजा राशि के लिए कुछ ऊपर तक लिखित।